और मैं हूँ कमर सनान और हम आ गए न्यू ब्लॉग के साथ। क्या yes, हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग की नहीं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो आज हम लोग ब्लॉग करने वाले हैं होम टूर के बारे में, आप लोगों को अपना घर दिखाएंगे और ये है हमारा मोस्ट अवेटेड ब्लॉग जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। एग्जैक्टली कम ऑन चले आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से। ये बॉक्सेस जो है ये हमें बहुत पसंद है, ये हमने लिए थे बिकॉज इसमें कलर बहुत ज्यादा ऐड होता है जब ये शूट के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। अक्सर जो ब्रांडिंग होती है उसमें होता है कि कलर ऐड कर देते हैं यूज करते। और ये क्या है, ये मेरी बाइक है, ये एक दिन रियल हो जाएगी और ये मुझे पूरे यकीन है ये एक दिन चलेगी, मुझे धोखा नहीं देगी, ये यूएस में ही चलेगी। हाँ इसके ऊपर लाइट, ये एक्चुअली बहुत ही, जब हम लोग पहले शूट करते थे 2000 तो अब ये है फ्लोटिंग शेल्स जो हमने बनवाए थे, कवर के कारपेंटर ने बनाए थे। ये मेरे फॉरेस्ट कारपेंटर है, अब उससे मेरी दोस्ती नहीं है। क्यों यार, वो बहुत टाइम लगाता है, कमिटमेंट करता है, उसके बाद आता नहीं है। ओहो लेकिन अच्छा अच्छे बनाए थे वो, उसका काम बहुत जबरदस्त है लेकिन आपके पास लेकिन काम करवाने के लिए एक साल होना चाहिए। जिसके जिसको काम अच्छा आता है उसके नखरे होते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये चीज है कि ये हमने छोटे छोटे जो है वो ये इसमें से कुछ चीजें हमने ऑनलाइन मंगाई है, कुछ ये हमने अभी टर्की गए थे जब वहाँ से लिया था। ये कैमरा मेरे मैट्रिक का एक स्कूल का ट्रिप था, हम लोग स्कूल ट्रिप पे आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, मैंने तब लिया था। इसको ऑलमोस्ट हो गए 20 years, तो ये 20 साल पुराना कैमरा है। अब इसमें रोल वोल डलता था बट अब तो ऐसा नहीं होता। म्यूजियम बनाया हुआ, मेरे जमाने का म्यूजियम है। तो ये रेडियो है, ये भी नहीं चलता। और ये पिक्चर है, ये एक्चुअली हमें किसी ने गिफ्ट किया था और ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें महावीर जो है ना वो बहुत ही क्यूट लग रहा है। पापा ये भी आपकी बाइक है ना? ये भी मेरी बाइक है, ये भी चलेगी एक दिन। नहीं मैं क्यूट नहीं लग रही इसमें। तुम तो कमाल लगती हो जानो, तुम क्या बात है तुम्हारी, तुम पूछा नहीं करो बस बता दिया करो कि मैं क्यूट लग रही हूं। अच्छा इस साइड पे ये बताओ फातिमा। अच्छा मैं बताऊं, ये है हमारा चेस्टर ड्रॉर्स का कॉर्नर, यहाँ पे अपने ड्रॉर्स में चीजें रखी हुई होती हैं। और ये जो है ये बहुत अच्छी लगी थी कमर लेके आई, ये तलवार है, ये तलवार है, ये देखेंगे ये लड़ाई में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जब हमारी जंग होती है तो हम एक एक तलवार निकाल लेते हैं, उसके बाद और तो तोल खेलते हैं। और जब लाइट नहीं होती तो ये कैंडल्स भी उतार के लाइट। ये मुझे रिसेंटली किसी ने गिफ्ट दिया था और ये सफर की दुआ है। और ये जो हमने अभी टर्की से लिया था। आपको हम कब गए थे यहाँ पर, कहाँ गए थे? बीच पे गए थे, हम गए थे बीच पे। और ये फ्रेम जो है ये हमें गिफ्ट किया था उसी दिन एनिवर्सरी पे मेरी सासू माँ ने। हेलो आंटी, वी लव यू। और ये फातिमा का ऑब्सेशन देखा होगा आपने, वहाँ ऊपर भी एक जगह में दिखाया था, वहाँ पे साथ काफी सारी कैंडल्स रखी हुई थी, इसके अंदर भी एक कैंडल है। ये हम जलाते नहीं है क्योंकि ये खत्म हो जाएगी। नहीं क्योंकि आपको नहीं पसंद कैंडल जलाना, आपने सोफे में जला दी, वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे एक जगह जहाँ फातिमा ने अपने गेस्ट को बुलाया था और सारी कैंडल्स ड्रॉइंग रूम के अंदर जला दी थी। एक तो उसकी स्मोक से सारा स्मेल हो गया था और ऊपर से जो कैंडल की वैक्स थी वो सारी हमारे नए सोफा पे गिर गई। स्मेल नहीं हुई थी, सेंटेड कैंडल्स थी। But you don't like it, वो एसी में थोड़ा वो हो जाता है। तो और ये कर्टेंस हैं, और सी थ्रू, अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, वरना इससे बड़ी अच्छी लाइट आती है। और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट छन की लाइट आती है, छन के। और यहाँ पे ना छन से जो टूटे कोई सपना, घर के कलर में ना थोड़ा गोल्डन कॉम्बिनेशन भी आई है। हाँ गोल्डन भी और व्हाइट भी है, ये प्लेट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं टू ऐड कलर। व्हाइट भी है, व्हाइट भी है भाई, व्हाइट भी है।
ऑल थैंक्स टू बच्चा जो ऑल थैंक्स टू बच्चा एक्चुअली जो हमारे घर को मेंटेन रखते हैं, साफ रखते हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत स्पॉन्टेनियस से अच्छे हैं, बिल्कुल भी चीजें नहीं छेड़ते, चीजें खराब नहीं करते। थैंक यू माबी, थैंक यू अरमीर। और इसके अंदर ये रेड भी हमने एक ये एक रेड जो है हमने तो मुझे घूर रही है, मैं वापस रख देता हूँ। सॉरी माँ, क्यों क्यों क्या हुआ? ये तुम घूर क्यों रही हो मुझे? ऐसी मैं का दिखा रही हूँ, रेड पूरा उठा के दिखा रही हूँ, इतने तुम एक्साइटेड हो उनको करने के लिए। ये इसके बीच में भी कलर ब्रेक करने के लिए व्हाइट एंड ब्लैक का वो हमने कर दिया है। मैं ये देख रही हूँ कि कवर काफी दिन से जिम नहीं गए लेकिन अभी भी स्टूल उठा लेते हैं। मंडे से, सॉरी वो मंडे कभी नहीं आएगा। एनीवे चले अब यहाँ से चलते हैं। आप क्या दिखाए हमने? ये हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और ये फातिमा बीच में से जाके छुप के इसमें से बिरयानी खा रही। फातिमा तुम बिरयानी खा रही थी ना? क्या हुआ, भूख लग गई यार। ये चल रहा है यहाँ पे। अच्छा ये है फ्रेम्स पिक्चर्स, ये फातिमा ने ऑर्डर किए थे और मुझे सारी पिक्चर्स बहुत पसंद है, इससे हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज है। फातिमा बताओ कुछ किसी पिक्चर के बारे में। हाँ, बेस्ट कौन सी लगती है पिक्चर्स में मुझे? बेस्ट ये लगती, ये हम गए थे अरमीर था उस वक्त सिर्फ, ये हम लोग दुबई गए थे, वहाँ की पिक्चर है। ये महावीर की सेकेंड बर्थडे थी, महावीर की फर्स्ट बर्थडे थी, उसका केक स्मैश शूट, केक स्मैश शूट था ये, जब महावीर होने वाला था तब की है, अरमीर था सिर्फ। और ये भी उसी वक्त की ईद की पिक्चर है, ये हमारी फिफ्थ एनिवर्सरी, ये फिफ्थ एनिवर्सरी की पिक्चर है। तो ये अलग 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 किस्म की मेमोरीज हैं, ये वो पिक्चर्स हैं। और ये फातिमा के फूल हैं, मेरे फूल ही हैं, आपके फेवरेट फूल हैं। और इसमें हम लोग मसाला पीसते हैं ऐसे ऐसे करके, कमर रोज सुबह जो है ना वो मसाला पीसते हैं, फिर काम पे जाते हैं सुबह। मसाले हमारे यहाँ फ्रेश, यहाँ पर हम रखते हैं छोटा मोटा सामान जो स्पाइसेस और ये सारी जो सॉसेस हैं। ये पीछे पीछे तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया था ना ये कवर? हाँ, ये मुझे एक बंदे ने गिफ्ट दिया था। ये द फॉरेस्ट की प्रमोशन देखिए हम लोग करते हैं घर पे भी, जो हमारे गेस्ट आता है ना तो द फॉरेस्ट की प्रमोशन का नाम नहीं भूलते। और साथ में आईफिल टावर, और कभी भी अगर हमें घूमने जाना हो तो हम आईफिल टावर चले जाते हैं। वापस हमारे घर के आप देखेंगे कैंडल्स, जो कि ये भी जली हुई नहीं है, ये कभी नहीं जलेंगी क्योंकि ये फातिमा कभी नहीं जलाएगी, ये खत्म हो जाएंगी। क्यों नहीं जलाऊंगी, तुम चलाने दो मुझे तो मैं चला दूं। अच्छा ये नाम जो है ना कंवर मोहम्मद अरसलान जफर, ये नोट कर ले, इतना लंबा नाम है कि हमेशा यहाँ के एयरपोर्ट पे जो है ना हम फंसते हैं क्योंकि सिस्टम हैंग हो जाता है। इन आउट दोनों पे जब भी हम जाते हैं तो वो सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि कहते हैं आपका नाम बहुत लंबा है तो जो है ना वो सिस्टम हैंग हो जाता है। कंवर मोहम्मद अरसलान जफर, ठीक है। सो ये हमारी डाइनिंग टेबल जिसमें बैठ के खाना खाते हैं, छोटी डाइनिंग टेबल है, सिक्स चेयर्स है इसके ऊपर, लेकिन फैमिली ऑफ फोर है, पांचवा अहमद है, तो हम लोग पांच ही लोग घर के अंदर, तो हम लोग आराम से बैठ के इस पर खाना खा लेते हैं। आज हमारे गेस्ट आते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चेयर्स जैसे निकाल लेते हैं उनको बिठाने के लिए। सामने टीवी है जो हम कभी ऑन नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते। ये हाउस रूल्स है, फातिमा कुछ कहेंगे आने वाले? हाउस रूल्स है ना वो ये है हमारे के फॉरगिव व्हेन इट्स हार्ड टू लव ईच अदर, be content, try new things, ye follow nahi karte, always tell the truth and say please and thank you and listen to your parents, enjoy the little things, okay, listen to the parents pe sara focus hai hamara, isliye humne ye lagaya hai bachcho ke room ke exactly bahar ke, listen to the parents। aur ye hamara front kitchen jahan pe hum cooking nahi karte, yahan pe hamare appliances rakhe hote hain jaise toaster, ye wo microwave, aur yahan pe piche zara dikhana, ये यहाँ पे हमने जार्स रखे हुए डेकोरेशन के लिए, एक ऑलिव ऑयल की बॉटल है जिसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, उसमें मैं पानी भर के रखा हुआ है डेकोरेशन, वो हम शूट्स के लिए यूज करते हैं। और ये बहुत ही प्यारा, ये मुझे बहुत पसंद है, जब एक्चुअली फातिमा गा रही थी मैं स्टेबल में नहीं था, फातिमा की बहन ने कराई थी दुबई से, लेकिन हाँ, जब आपकी बहन दुबई में रहती है तो उसके बड़े फायदे होते हैं, आप कभी भी चीजें मंगवा सकते हैं, लेकिन हम उनको पैसे देते हैं फ्री में, ऐसी बात नहीं। ये हमारे बर्तन है, सही है, इसमें से हम ये वो है जो हम रेगुलर यूज में खाना वाना करने के लिए यूज करते हैं। और ये है स्पाइसेस जो कि बाबा को बहुत पसंद है क्योंकि वो स्पाइसी खाना ही खाते हैं, जो कि हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, और पीनट बटर भी हमारी फैमिली को बहुत पसंद है, इसलिए बहुत तरह के पीनट बटर्स हैं यहाँ पे। और ये रहा हमारा कॉर्नर, मुझे विंड चाइम्स बहुत पसंद है, कमर को नहीं पसंद है मैंने यहाँ पे लगा, मेरी हाइट ज्यादा है, ये जब शुरू में लगा था थोड़ा नीचे था तो मेरा सर लगता था, मैं एक दिन छुप के लेके आई थी कि नहीं यार लगाना है, लेकिन मैंने घर में लगाया तो इतना ये मूव नहीं करता, इसकी आवाज नहीं आती। और ये पिक्चर महावीर की बर्थ के बाद फर्स्ट शूट हमने करवाया था, ये महावीर है छोटा सा और बाकी अभी बहुत क्यूट लग रहा है, और ये हमने फोटो शूट कराया था बेबी फोटो शूट, जब महावीर
आया था इस दुनिया में। जब माँ भी छोटा सा था लेकिन अब माँ भी बड़ा हो गया। लेकिन माँ भी ने मानता नहीं है कि ये है, वो अलमीर की पिक्चर्स देख के कहता है ये मैं। माँ भी आप इन पिक्चर्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं सॉरी नो कमेंट्स। और ये यहाँ पे है मिरर, क्योंकि मुझे घर में मिरर्स बहुत ज्यादा पसंद है। कमर को इतनी नहीं पसंद, बट मेरा दिल करता है मेरे घर में हर जगह मिरर्स हो। और ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये फातिमा ने नहीं बनाई है, ये हमने मार्केट से ली है। ये हमारा बैक किचन जहाँ हम कुकिंग करते हैं, और ये फ्रेम्स हैं जो हमने डेकोरेट किए हैं, क्योंकि हमें पहले लाउंज में लगाने थे बट मुझे लगा कि बैक किचन में ज्यादा अच्छे लगेंगे बिकॉज दे ऑल अबाउट फूड। और बहुत सी चीजें हैं जो कि सही लिखी हुई है मेरे बारे में और कमर के बारे में भी, बिकॉज वी आर फूडीज, हम लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है। सो हियर्स द किचन, यहाँ पे जो है वो कुकिंग होती है। अब चलते हैं दूसरे रूम। मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस ड्राइंग रूम। वैसे तो सारे घर मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरा घर है। और ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेकमेट। एक्टिंग ना करो सारा, ठीक है ना? आता नहीं है यार, चेकमेट चल रहा है। ये देखिए, ये चेस टेबल है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। इट्स आल्सो मेड ऑफ मार्बल, बट हमें खेलना नहीं आता। हमें बिल्कुल भी खेलना नहीं आता। ये मुझे यासर नवाज ने दिलवाया था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट उन्होंने मुझे अभी तक सिखाया नहीं है। तो यासर भाई आपको मुझे ये सिखाना है ताकि ये हमारे किसी काम आए, ठीक है? और फातो बार ठीक कर लो। और ये हमने सीख लिए, ये हमने महाबीर ने सीख लिए। आपने सीख लिए? महाबीर हमें नहीं सिखाना चाह रहा है ना। हाँ, और ये है हमारे ग्रीन सोफास जो कि मुझे बहुत पसंद है। और कमर यार फातिमा ने बहुत ढूंढे थे सोफास, और हमने ऑलमोस्ट 2-3 दिन हम लोग मार्केट में घूमते रहे थे, पर फातिमा ने मुझे एमरल्ड ग्रीन कलर के सोफास ही चाहिए। मुझे नहीं पता क्या था बात में दिमाग में, बट दैट वाज इट। और ये पत्ते, ये पत्ते ही मैंने लिए थे, ये स्टील के हैं, इट्स मेड ऑफ स्टील के पत्ते। आप देखे होंगे, वाओ दैट्स अ नाइस मूवी टाइटल, स्टील के पत्ते, स्टील के पत्ते। और ये हमारा ऑटोमैन जो हमने सोफों के साथ, अरे इस पे सही से शो मारो ना फातिमा। ये देखिए, ये जो ना आप ऐसे करें, ऐसे खोलना, क्या हो गया? ये ऐसे करके खुलता भी है। हाँ, तो अगर आपको मेरे और फातिमा यहाँ बैठ के चाय पीते नहीं है, नहीं पीते ना, नहीं पीते हमने कभी बैठ के चाय नहीं पी। हमारे ड्राइंग रूम में वैसे बच्चों के लिए भी खाना पीना अलाउड नहीं है, हम खुद भी नहीं आते। कभी कभी हम नीचे महावीर को भी छुपा देते हैं, नीचे जो जगह बनी हुई है ना। महावीर आ रहे हैं, महावीर डर रहे कि बंद ना करते मेरे मुंह के ऊपर। तो अब हम आते हैं इस कॉर्नर की तरफ। ये मिरर जो है वो हमने लिया था, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इत्तेफाक से हमने लिया लाउंज के लिए था, बट हमारी ड्राइंग रूम की थीम के साथ अच्छा जा रहा था, तो हमने ये यहाँ पे। इन फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये फ्रेम्स मैंने बनवाए हैं। और आइडिया किसका था? आइडिया फातिमा का था, ये एक इंटीरियर वालों ने बनाए हैं, बट उनको क्रेडिट जाता है कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिजाइन किसने दिया था, उनको वॉलपेपर किसने चूज किया था, ये सब कुछ फातिमा ने किया था। मैं खाली उसको लेने गया था और वापस छोड़ने गया था, बाकी सब फातिमा ने किया था, ठीक है? और यार इसका एक दिखाने ऐसे करके, दे आर रियली ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी इंगेजिंग सी वॉल लगती है इसकी वजह से। और देन अगेन, और ये एक डेकोरेशन पीस है हमारे घर का, ये हमारा डेकोरेशन पीस है। ये छोटा सा डेकोरेशन पीस है जो हमारे ड्राइंग रूम में सबसे एक्सपेंसिव है। और ये क्लॉक हमने उसके फ्रेम के बीच में लगाई है, ये जी हमारा आइडिया था, बीच में फ्रेम के जो है ना वो क्लॉक लगाएंगे, तो एस्थेटिकली थोड़ी अपीलिंग लगे। अरे टेबल के ऊपर कैंडल रखी हुई है, और ये भी जली हुई नहीं है, ये भी आपको बिल्कुल फ्रेश कैंडल मिलेगी, क्योंकि कैंडल अगेन फातिमा नहीं जलाती है, आप लोगों को पता ही है। और ये टेबल है, जिस दिन मैंने जलाई थी ना उस दिन जो है ना बहुत बुरा दिन था मेरा, है ना? और वो है कॉर्नर में चाय की ट्रॉली, ये जो हमारे घर में मेहमान आते हैं तो फातिमा इस पे चाय लेके आती है। और ये हमारी पिंक चेयर्स जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद है, कमर अकेले लेके आए थे जब मैं शूट पे थी। और ये फातिमा को मैंने व्हाट्सएप पे चूज करवाई थी, फातिमा कैसी है। और उसके अलावा इस यहाँ पे भी हम बैठ के अक्सर चाय जो है वो नहीं पीते। यहाँ पे बैठ के हम अक्सर ईद का फोटो शूट करवाते हैं। एक साल तक मैं वॉल पेपर ढूंढती रही अपने मतलब का कि मुझे मिल जाए, तो ब्रांडिंग करोगी। और उसके बाद हुआ ये कि जो भी ब्रांडिंग होती है बोलते हैं कि इस पे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे ब्रांडिंग नहीं कर सकते।
बट फातिमा का आइडिया था जी वाओ तो लेकिन फातिमा का आइडिया था कि कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे और फातिमा और क्रेडिट गोज़ टू यू और आज तो इस ड्राइंग में ऑरेंज भी है माशाल्लाह असल में मैं नहीं चाह रही थी कि मैं एक सेवन सीटर सेम टाइप सोफा लूं जैसे ग्रीन है तो ग्रीन ग्रीन पूरे कॉर्नर में तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे बीच रखा है उधर ग्रीन रखा है और उधर व्हाइट कॉर्नर है ऑटोमेटिक तो अगर किसी को भी इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है तो थोड़ी सी फीस में हमसे नहीं करवा सकता Call my phone, hit my line. Only ones who down for real, down for life. Keep it super thug my way, on this side. Keep it super thug my way, on this side. Mopping with my brothers, there's no question, keep it real. So, बातें हैं bedrooms पे और ये है अलमी महावीर का bedroom, cage room और यहाँ पे ये अलमी लिखा हुआ है teddy पे और महावीर लिखा हुआ है. और ये टेडी बेयर्स के ऊपर एक और टेडी बेयर्स होते रखे हुए और ये है आई लव 60s का मुझे बड़ा पसंद आया था बट अलमीर को इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं लग रहा था पहले. और ये कॉर्नर है डार्ट्स का जो डार्ट्स सारे बच्चों ने घुमा दिए हैं इतने सारे डार्ट्स थे वो सब घूम गए. ये अलमीर महावीर के साथ मेरी पिक्चर है जो नारायण में हमने खिंचवाई थी झील सैफुल मलूक पे. तो ये है और ऊपर ये ब्रदर्स दैट प्ले टुगेदर स्टे टुगेदर का नियॉन साइन है जो अगेन बच्चों के रूम के लिए स्पेशली बनवाया था मैंने. हालांकि प्ले टुगेदर और स्टे टुगेदर थोड़ा कम होता है लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है. और यहाँ पे चलते हैं हम ये अलमीर और महावीर के नेम्स हैं जो कि वुडन मैंने बनवाए थे. महावीर के तो तब बनवाए थे जब ये डेली शूट हुआ था इसका तो फिर जब वो जमीन पे रखे हुए थे फिर उसके बाद मैंने सेटिंग करवा के जो है ना इनको वॉल पे लगवा दिया और अलमीर के सेपरेटली बनवाए सुपर हीरोज के. एंड ब्रदर्स मेक द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स अगेन लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं और ये वी आर सुपर हीरोज. तो ये है बच्चों का रूम और चलते हैं नेक्स्ट रूम में. So guys, ये अब हम आ गए मेरे रूम में जो कि सॉरी फातिमा यहीं पे. ये फातिमा का वार्डरोब रूम है और मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिप करवाता हूँ कि ये फातिमा की वार्डरोब्स हैं जिसके अंदर फातिमा की वो वाले कपड़े हैं जो खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल दिखाने वाली हालत में नहीं है. लेकिन थोड़े ऐसे ऊपर नीचे करके रखे होते हैं तो बोलता हूँ फातिमा जरा हैंगर में होने चाहिए. फातिमा कहती है कि इतने सारे कपड़ों के लिए एक किलोमीटर की वॉकिंग क्लोजेट बनाओ जिसमें अपने सारे कपड़े लगाओ ताकि सारे कपड़े हैंगिंग में है तो उधर दिखाओ ताकि सारे कपड़े फातिमा के रूम में फिट आ जाए. क्योंकि मेरे तो एक वार्डरोब में एक लाइक एक रूम की एक वार्डरोब है जो मेरे अपने रूम के वॉशरूम के अंदर है वहां मेरे कपड़े आराम से आते हैं लेकिन फातिमा के कपड़े पूरे रूम में फिट नहीं आते. और अक्सर फातिमा के जो टी शर्ट्स हैं और जो फातिमा के ट्राउजर्स हैं जो मेरे कपड़ों से मिलते जुलते हैं वो मेरे वार्डरोब में निकलती है. फातिमा को मैं वापस करता हूँ. कब करती हूँ वापस? मेरे पास आ जाती है आपकी शर्ट जो मैं बाकायदगी से वापस जो मुझे कभी वापस नहीं मिलती. एक ही साल बाद अभी आज वाइट निकाल के रखी अपने कपड़े से और ये मेरे मिरर्स का ऑब्सेशन आप बता दें. और ये मिरर्स हैं इसमें हम लोग देखते हैं और हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं इसमें देख के. अच्छा ये फातिमा को फातिमा ने फ्रेंड्स ऑर्डर किए थे ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इट्स टू गर्लिश एंड लाइक मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि गर्लिश है ये गर्लिश है मुझे ओवरऑल इसका लुक पसंद है तो यस yes, और अब मुझे लगता है कि इसको हम थोड़ा नीचे भी लेके आ सकते हैं. क्यों पता नहीं मुझे लगता है ये ऐसे पीछे होने चाहिए हमारे बट ऑब्वियसली अब तो कील लग चुकी है तो वो वाला मसला हो गया है. पूरी बॉल खराब हो जाती है अगर आप नेल्स लगा लगा के वापस निकालो तो वो इशू होता है. ये खैर ये तो रिफ्रेशमेंट का है. और ये है फातिमा की वार्डरोब जो कि हम लोगों ने ये भी मेरे उसी कारपेंटर ने बनाई थी जो कि बहुत टाइम में डिवर करता है बट उसने बहुत अच्छी बनाई थी. फातिमा वांटेड कि इसके ऊपर कवर होना चाहिए
नो आई डिडंट वांट इट, आई लाइक ओपन वार्डरोब. पहले मुझे लग रहा था कि शायद डस्ट का इशू होगा और वार्डरोब मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना इशू नहीं है. अगर बंद रहता नॉर्मली जितना डस्ट अगर आता है और उसमें कवर की भी जैकेट्स हैं, यू कैन सी कि मेरा वार्डरोब भी हाईजैक हुआ. मेरी खाली दो जैकेट्स हैं फातिमा, मेरी दो जैकेट्स बर्दाश्त नहीं. चार तो ये नहीं यार, ये मेरे नए कपड़े हैं जो कि फातिमा ने यहाँ पे रखे संभाल के. यहाँ पे फातिमा करती है मेकअप, ये फातिमा के अंदर मेकअप का सामान है, और ये भी फातिमा ने, ये मुझे लोग बहुत पसंद है, ये भी फातिमा ने ऑन ऑर्डर बनवाया था. एक्चुअली दो तीन वार्डरोब्स की चेंजेस करा के फातिमा ने ये क्रिएशन कराई थी. हमें जरा इसके शॉर्ट दिखाना, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और ये बहुत अभी यूज में है तो हैपहैजर्ड सा हो गया है, और कुछ दिन पहले मैंने इसको सेट किया था, लेकिन यूज में होता है तो मेकअप जल्दी जल्दी में होता है निकलते हुए, तो थोड़ा हैपहैजर्ड सा. ये मुझे ये स्टूल बहुत पसंद है, ये हमने लिया था नारान से, और ये बहुत नारान की जो मेन मार्केट है वहां से लिया था. ये बहुत जबरदस्त है, और गाड़ी में डाल के लेके आया. ये ट्रेडमिल है जो कि फातिमा कभी नहीं करती. करती हूँ यार कभी, हम लोग पहले करते थे बट अब नहीं करते. मैं तो खैर अभी जिम भी नहीं जा रहा, फातिमा नहीं जा रही, और तो अभी हम इसको यूज नहीं करते. एनीवे सो गाइस, ये है हमारा रूम, सिंपल एंड स्वीट, होम स्वीट महीने में कभी एक दफा मौका मिलता है फिल्म देखने का. हाँ. वो भी फातिमा फिल्म लेके आती है कि हम आज ये फिल्म देखेंगे, और वो फिल्म देखते हुए कमल हमेशा सो जाते हैं बीच में, और चार पांच दिन में वो एक फिल्म. मैं चार पांच, सॉरी जो लोग इस चीज को माइंड करे, लेकिन मैं चार पांच एपिसोड में एक फिल्म देख लेता हूँ. मैं माइंड करती हूँ इस चीज को. हाँ, और ये दिखाना है, एक मिनट ये दिखाओ मुझे. ये देखें, ये हमने बड़े ही तरीके से और बड़े उससे जो है ना, ये हमने साइड बांटी है. राइट साइड जो है फातिमा की है, और लेफ्ट साइड जो है मेरी है, और जो बीच में बास्केट है वो डिवीजन है, ठीक है. साइड पे फातिमा का सामान है, उस साइड पे उसका सामान है. ये फ्लोरल सा फातिमा ने कटर लगाया हुआ है, इसमें से भी लाइट जो है वो थ्रू होके आती है, और ये बड़ी मजे की चीज है. ये हमारे निकाह की पिक्चर्स है, और ये वो पिक्चर, ये जो हम पिक्चर है फिफ्थ एनिवर्सरी पे या सेवेंथ पे, आई डोंट रिमेम्बर, किसी एनिवर्सरी पे मैंने कवर को गिफ्ट की थी, अगर सेवेंथ थी आई थिंक. और इसमें ऑलमोस्ट 600 पिक्चर्स हैं. हाँ. इस पिक्चर के अंदर अगर मैं क्लोज जाऊंगा आपको नजर आएंगी, इसके अंदर हमारी बहुत सारी मेमोरी, समझते हैं जो हमारी 5 इयर्स की मेमोरी थी, 5 इयर्स ही होंगे बिकॉज़ उस वक्त महावीर नहीं था, इसमें सारी पिक्चर्स रणवीर की. तो ये बहुत ही मजे का सीन है, और ये एक ही इमेज के अंदर ये फातिमा ने मुझे गिफ्ट किया था. आई लव इट, थैंक यू फातिमा. मुझे भी गिफ्ट था ये, अपने आप को भी किया था. ओके, सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा घर जिसका हमने आपको छोटा सा टूर दिया है. यही है हमारी दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं सब लोग, चार लोग, छोटी सी दुनिया, छोटी सी फैमिली के साथ, हमारा घोंसला, हमारी छोटी छोटी चिड़ियाओं के साथ. और आई होप आप लोगों को हमारा होम टूर अच्छा लगा होगा, जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें मैसेजेस कर रहे थे कि होम टूर की वीडियो जरूर करें. और अगर इसमें आपने कहीं भी कोई फ्लॉ देखी है, कोई मट्टी वट्टी देखी है, तो प्लीज सॉरी, हाँ जाने देना यार, हम भी इंसान है, हम भी इंसान है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. और ये है मेरा